शक्ति साधना केंद्र के बारे में अपने उड़ीसा वालों से या भारत के हमारे जितने भी प्रांत जितने राज्य हैं, हमारे भारत के हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आपके उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, मेरे यूपी में हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है, और महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में मारवाड़ी, राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है। तो हमसे जो हमें नहीं समझ पाते वो उड़ीसा वालों, जो उड़ीसा वाले लोग हमारी, सबको तो हिंदी आती नहीं, उड़िया नहीं बोलूंगा, कुछ मिक्स करके बोल लो, आए मिक्स करके कुछ हिंदी और कुछ अनुवाद कर दो आए, ताकि लोग समझ पाए, ताकि तुम्हारे उड़िया भाई तो आके यहाँ लाभ उठा सके। अगर उनको कोई समस्या है, तंत्र गाइड कराना है या किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, तो उनको आपकी वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो कितना पुण्य देगा वो आपको, ये बताइए। जिस माध्यम से आप आए हैं उसी माध्यम से और भी आनी चाहिए ना। जी जी, ये तो जो हमने आश्रम बनाया है ये आस्था की जगह, यहाँ पे धार्मिक स्थल हो चुका है, आश्रम हमने बनाया, धार्मिक स्थल ही है यहाँ पे, इतनी उच्च कोटि की साधना है आप करना। हमारे ऐसे सर बोल सकते हैं कि हम तंत्र की इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तंत्र इंस्टीट्यूट या तंत्र की पाठशाला। तो कुछ संदेश दीजिए हमारे जितने भी पोलो पर साधक नए जुड़ने वाले हैं या जो जुड़े हुए हैं, या वो साधना करना चाहते हैं या उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान शिव शक्ति साधना केंद्र में तो हो जाएगा। नहीं नहीं हो जाएगा, मैं जितना दिन यहाँ पे आके रुका हूँ। शुरू से इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या है, क्या जी। मेरा नाम जयंत कुमार साहू है, मैं उड़ीसा से हूँ, और यहाँ पे जो नवरात्रि का शिविर चल रहा है यहाँ पे मैं ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। क्योंकि मैं जो यूट्यूब में गुरु जी को फॉलो किया था, जितना दिन मैं देखा कि गुरु जी जो बोल रहे थे कि सनातन मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे कुछ सीखेंगे तो हम लोग जो अभी का फिलहाल का दुनिया में जो जी रहे हैं, वहाँ पे जो कष्ट है, कुछ ऐसा कुछ चीज है जो साइंस वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाता है, वहाँ पे तंत्र काम करके चिकित्सा, जहाँ पे चिकित्सा साइंस खत्म होता है वहां से तंत्र शुरू होता है। ओके, तो मैं उसी विश्वास से यहाँ पे आया था, और यहाँ पे भी मैंने देखा भी सब कुछ सही है, और ऐसा कुछ धोखा नहीं है या कुछ बड़े बड़े बातें नहीं करते हैं। जो लोग, मैं ये पहले बोलूंगा कि जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब बहुत सारे चैनल है कि छोटा छोटा देखे बोलते हैं कि ऐसे ऐसा करो। ओके, मैं तो इतना जगह में जुड़ा नहीं, ये मेरा पहला है। ओके, और पहले में मैं जो आया हूँ मैं ठीक लाइन में ठीक जगह में पहुंचा हूँ, और मैं भी बाकी भाई को लोगों को बोलूंगा जो इस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट ना भी हो, ओके, वो भी एक बार आए यहाँ पे आके देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो आएंगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि मैं भी जब पहला आया था मैं भी पहला दिन में सोचा था कि छोड़ दूं, ओके, लेकिन अभी मुझे आज श्याम बाबा से जो बोले मुझे थोड़ा अंदर में कुछ आया है, तो मैं भी आज से ही इसको पकड़ूंगा, पूरा का पूरा फुल दम में पकड़ूंगा, और मैं भी दिखाऊंगा कि मैं इस लाइन में जो गुरु जी बोले कि यहाँ पे तुम फुसका हो कि मत जाओ, मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ इस लाइन में। और बाकी सबको बोलूंगा कि आप यदि तंत्र साधना करना चाहते हैं या आपका जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आए, और स्पेशली मेरे उड़ीसा भाई लोग जो हैं जिसको मतलब जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि, और उनको भी यही बोलूंगा कि जो गुरु जी का नंबर चैनल में जो नंबर है उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, संपर्क करें, और यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए। ओके, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये संस्था क्या है और इनका जिनिटी क्या है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।